हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हुआ है रात के 11 बजे और मैं लगा के आई हूँ मेहंदी। तो ये मेहंदी टीना जी ने लगाई, आपको डिजाइन बताती हूँ अच्छे से, ये देखो। और चीकू के पापा भी आए आज, वो करीबन 8 बजे पहुँचे। और क्या बता रही थी मैं, वो मतलब बड़ी, ट्रेन में भी टिकट नहीं था, बस में भी टिकट नहीं था, तो आबू तक गाड़ी लेके आए थे आबू के साथ। आबू रोड पे, पापा गए थे उनको लेने के लिए, और मैं जस्ट बाहर से आई हूँ। तो अभी बाहर थोड़ी ठंड सर हो गई, एलर्जी से लग रही है। और वैसे तो हम लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, कोई रौनक नहीं है हमारे यहाँ दिवाली की बिल्कुल भी। तो मेहंदी तो बस मम्मी ने बोला कि पूजा वगैरह करोगे शगुन के, थोड़ी मेहंदी लगा लो, तो बस एक एक हाथ पे लगाइए। तो बस मैं तो बस पैर पे लगा रही थी, टीना जी ने कहा बस फूल सा बनाती हूँ, तो फूल सा करते करते बस आगे का हाथ कर दिया। और क्या बता रही थी मैं, बाकी सब नीचे सो रहे हैं, पूजा उधर वाले रूम में आज। और ये चिक्कू आ गए हैं और हम सोते हैं, है ना चिक्कू? कैसे मेहंदी कैसी लग रही, कमेंट में जरूर बताना, टीना जी ने लगाई। और बोल, कुछ 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 बोलो, पापा आए मेरे, बोलो कुछ बोलो पापा आए। ऐसे कैसे बात करता है तू? पापा और पापा क्या लेके आए, तीर बोलो लेके आए चिक्कू का? ऐसे मारने वाला पापा हूँ, ऐसे मारता है चिक्कू बहुत ऊपर। और फिर आए 100 रुपया मेरे को अहमदाबाद चले जाएंगे, तो तेरा मन कैसे लगेगा? आप जाओ। अच्छा लगेगा कैसे? हाँ फिर तू रोएगा, तुझे 100 रुपया की मेरे को की याद आएगी, तू रोएगा ना? नहीं नहीं रोएगा, हाँ रह लेगा ऐसे? नहीं ले लूंगा री माँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। और क्या बता रही थी, हमारा सबका नहाना धोना हो गया, बच्चों का होना है, सबका नाश्ता हो गया। और चीकू के पापा कल रात को आ गए थे और उपेंद्र जी अभी सुबह आए, क्योंकि उनको कल ऑफिस जाना था। और चीकू के पापा दोपहर तक ऑफिस गए थे, फिर घर आ गए थे। और टिप्पी जी भी आए, टिप्पी जी मतलब जयपुर से तो आ गए थे काफ़ी दिन पहले, और फिर वो 2 दिन के लिए अहमदाबाद घूमने के लिए गए थे। पहले मुझे लेने के लिए टिप्पी जी आने वाले थे, तो फिर पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए, और टीपी जी 2 दिन रह के अहमदाबाद, और कल वो भी आ गए। और पापा आए पाली से कुछ लेने गए थे, और नाश्ता सबका हो गया। तो पोहे बने थे नाश्ते में, अभी बने नमकीन चावल और आलू छोले की सब्जी। अंकल जी गए सब्जियां लेने, और सबके नाश्ता लेके आएंगे वो। वैसे तो नाश्ता हो गया, पर उन्होंने फ़ोन किया अभी, कचौरी समोसा वगैरह लेके आ रहे हैं। और पापा आ गए, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पापा लेके आए मिठाई और नमकीन, ये पापा लाए हैं मिठाई और नमकीन, ना मुझे नहीं पता क्या क्या है। मैं अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी कपड़े सुखाने जाना है छत पे। दो ही मारा रख, एक मारो अब बेटी, हाथ ही रखो मारा कोई बर्तन करा लग लो। ये आया नाश्ता, क्या हुआ? हेलो फ्रेंड्स, तो रोटी बन चुकी है और आज सब आया थे, थोड़ी रोटियां भी एक्स्ट्रा बनाई, पर आज पता नहीं कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे, क्योंकि पूरे दिन आज रोटियां ही चलने वाली है, क्योंकि नाश्ता हो गया। फिर पहले नाश्ता करा सबने, फिर वो पकोड़े खाए, मिर्ची बड़े लाए थे वो खाए सबने, और अब अंकल जी दाल वगैरह लेके आए, पोहे वगैरह ख़त्म थे, तो वो सब खाली किए, डब्बे में डाले जो सभी पैरों में पड़े थे। और पूजा बस बच्चों को नहलाया, कपड़े धोए उसने, और पता नहीं कुछ और काम कर रहे होंगे। और ये पालक, हरा धनिया, हरे प्याज आए हुए पड़े, इनको बाद में साफ कर गया ना, थक गई मैं काफ़ी, मतलब घंटे 1.5 घंटे से खड़ी हूँ, कंटिन्यू रोटियाँ बना रही। और ये है सिंगोड़े जिनको धो के रखूँगी, और ये है हरी टमाटर। बाकी सब्जियाँ तो पापा लेके आ गए थे, फिर अंकल जी आज गए, तो फिर ये पालक वगैरह ये ऐसी सब्जियाँ मंगाई है, और इसमें एक गर्म पानी डालना है, 100 रुपये को नहलाना है, उसको नहलाऊँगी अभी। और आज ये परात मेरी ऐसे ही रहेगी, वरना तो मैं आटा लगा के साथ धो लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि बाजरे की रोटी, क्योंकि अक्सर रोज़ बाजरे की रोटी बनाती हूँ पापा के लिए, तो फिर मैं भूल गई, उनके लिए भी गेहूं की रोटी बना दी, और परात ऐसी रह गई। तो पहले मैं परात को धोती हूँ, फिर इनको धो के रखती हूँ, और जो सब्जियाँ साफ़ करनी है वो बाद में करेंगे, या शाम को ही करूँगी अपनी होएगी। तो मैं परात धोती हूँ पहले, और आप बने रहिए व्लॉग में। दिन भर और क्या क्या काम करते हैं पता नहीं, बच्चों को खाना खिलाना है, 11:30 हो रहे हैं, सो चिकू को भूख लग गई होगी, उसने कुछ खाया नहीं है वैसे, और ओढ़ना मेरा ना उल्टा ओढ़ा हुआ है। अच्छा नहीं, सही है वो, उस टाइम जब टीना जी आए ना, तब मेरा उल्टा पल्ला हो रखा था, तो मुझे लगा उल्टा ओढ़ा हुआ, मेरे को पता नहीं है, पर सीधा ओढ़ा हुआ अब तो।
दोस्तों तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी टाइम हुआ है 2 बज रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया, वरना तो मैं 12:30-12 बजे ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग बैठ गए थे, नाश्ता करा था, फिर भूख नहीं लगी थी तो ऐसे ही बातें करने लगे थे। 12:30 तक हम वैसे बैठे रहे, फिर मैंने पूजा ने मुझे ने सबने साथ में खाना खाया, और खाने के बाद फिर मम्मी ने व्रत खोला तो मम्मी के लिए रोटी वगैरह बनाई, पूजा ने साथ में सैलेड वगैरह कटिंग करा, और उसके बाद में हुआ पापा के तभी खाना खाना है, उनको भूख ही नहीं लगी, वो रहे भूख नहीं लगी, बाद में खाऊंगा। तो मैं चिकू और मिकू को दोनों को ऊपर लेके आई, क्योंकि वो दोनों सीढ़ियों में बैठे थे और हैंड वॉश लेके आए थे। हाँ चिकू सो गया, दोनों हैंड वॉश लेके, तो बयान करो दोनों हैंड वॉश ऊपर वाले पेड़े में ले बैठा था, दोनों फूल हाथ लगे, दीवार भरी, पेड़ा भरी, दोनों ने बार यार हाथ धुला यार, तो भाजा मिकुन में सोचा सौ को नहीं। तो फ्रेंड्स इतना हैंड वॉश खराब कराने, हमें किसी को नहीं पता था, हम लोग नीचे काम में लगे हुए थे, ये ऊपर वाले रूम में मतलब सीढ़ियों में आके पूरे सीढ़ियों में दीवार पे पूरे हाथ, फिर उन दोनों को साफ किया और चिकू को लाके सुलाया, मिकू को बोला सोने का पर वो सोया नहीं, और अभी मैं भी सो जाती हूँ कि 2 बजे। और चिकू के पापा तो नाश्ता करके चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, और सुबह उपेंद्र जी आई गए थे, आपको बताया मैंने, पता नहीं बताया नहीं बताया, सुबह उपेंद्र जी पहुँच गए थे, तो चिकू के पापा ने खाना भी नहीं खाया और वो आज कहीं पाली में गए हुए हैं क्रिकेट खेलने, वो कब आएंगी कुछ कंफर्म पता नहीं है उनका, शाम तक ही आएंगे वो। तो फ्रेंड्स अभी सोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स सो के उठ गई हूँ, टाइम हुआ है 4:30 हो गए, वैसे तो पहले उठी थी, कूड़े वाले भैया आए थे तो 3 बजे कूड़ा देने गई थी, वापस आके सोई, फिर नींद नहीं आई थी। और चिक्कू अभी उठ रहा है ना, और सौरव पूरे मजे ले रहा है गाँव के, पूरा टाइम खेलता है, दिन में भी नहीं सोता है। और चिक्कू के पापा आ गए थे करीबन 3 बजे, खेलने गए हुए थे। चलो चिकू नीचे चलो, आज का पापा पास रहेगा, पापा पास रह लेना, फिर इसको नीचे लेके आ जाना, ठीक है, कंबल समेटते हो पहले फिर जाते हो नीचे। अरे दिया हुआ पड़ा है, ये है सोरू की बेस्ट फ्रेंड, नाम है अक्षिता, अक्षिता है तो नाम, और क्या है, अक्षिता। तो फ्रेंड्स इस बार दिवाली की पूजा तो हम लोग कर रहे हैं, बाकी जैसे मिठाई वगैरह घर पे कुछ नहीं बनाई है, ना ही हम लोगों ने कोई पटाखे वगैरह फोड़े, बस 5-7 के जो शगुन के दिए होते हैं वो लगाए हैं, और बस पूजा करनी है। तो फिर मम्मी ने बोला कि थोड़े से बस मेरे मतलब सुबह से बिल्कुल लाइट सा कलर पहना हुआ था, तो पूजा के भी अलग ड्रेस पहनी हुई, तो पूजा को भी बोला चेंज कर लो और मुझे भी चेंज का बोला, तो बस हम लोगों ने बिल्कुल न्यू ड्रेस नहीं है, ये काफ़ी बार पहनी हुई है वैसी है, तो ये वाली ड्रेस पहनी है, और गले में वही मैंने आज पूजा की ज्वेलरी पहनी है, कान के और जो गले का पेंडल ये पूजा का है, और पूजा अभी मिकू को रेडी कर रहे हैं, और सौरू चिकू को मैं नहीं तैयार करी, वो उनके जो कपड़े पहने हुए वही है, मिकू रोने लग गया, जिद कर ली बीच में, बोल हेलो फ्रेंड्स, नहीं बोल दे, वेट कर, बार तो बोल रहे थे हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मिकू बोल दे एक बार, बोल कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा हैप्पी दिवाली, बोल आज ए मम्मा ने छोटा थाई दिया, अरे मम्मा को छोटा लग रही है, मम्मी मम्मी सुंदर लग रही है, मम्मी सुंदर लग रही है, और पूजा चाची कैसे लग रही है, आप भी सुंदर, आप भी सुंदर, मम्मी भी सुंदर, पूजा चाची भी सुंदर, नहीं तेरे नए कपड़े अच्छे कपड़े, तेरे तो सही अच्छे कपड़े हैं, ग्रुप में वीडियो के आप आगे क्यों नहीं बैठे, सब आगे आपकी दीवानी क्यों बैठी है,
ओ भाई साहब क्या ठीक है भाई साहब पहले टिक्का तक लक्ष्मी जी ऊपर गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी पर तिलक सोहे मूसे की सवारी दयावंत चार भुजा धारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़वन फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, आज बिल्कुल ढीला ढीला सा काम चल रहा है हमारा, वरना तो मतलब इतनी ज़्यादा काम रहता है ना दिवाली के दिन, क्योंकि पहले सबको खाना मतलब पूजा करना, फिर सबको खाना खिलाना, क्योंकि दिन भर से किचन में लगे हुए रहते हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं था, बस शाम को आए नॉर्मली सब्जी रोटी बनाए जो डेली में जो बनाते हैं वही वाला खाना बना है, और बस कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और अभी सबको भूख लग गई है वैसे तो सबको खाना खिलाना है। और हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ अपने रूम में ऊपर सोने के लिए, और टाइम हुआ है 10:30 हो गया, और आज वैसे लेट हो गया। दिवाली का हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने बस पूजा वगैरह तो करी थी, वरना मतलब मिठाई वगैरह बाजार से लाई थी पूजा के लिए, घर पे कुछ भी नहीं बनाया मीठा वगैरह, वरना तो हम लोग दाल का हलवा वगैरह बनाते हैं, फ्राई करने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं वो फ्राई करते हैं, पूरा टाइम बिजी रहते हैं। तो आज वैसा नहीं था, बस पूजा करी, और पूजा का टाइम हमने रखा था 7:15 बारह मुहूर्त था वो रखा, और उसी टाइम सबको भूख लग गई थी, तो फिर पता साथ में मतलब काम करते रहे, मतलब फटाफट से तैयार हुए, पूजा करी, पूजा करते फटाफट कपड़े खोले और चेंज करके वापस खाना वगैरह बनाया, सबको खाना खिलाया, और खाना होने के बाद में फिर जेंट्स लोगों के बाद में मैंने खाना खाया, मैंने ने मुझे ने आंटी जी ने सब ने खाना खाया, और फिर काफ़ी देर नीचे बैठ गई थी, चिक्कू को पता नहीं क्या उल्टे काम कर रहा है, और अभी बस फिर उसके बाद चिक्कू को खाना खिलाया, और हम लोग छत पे भी नहीं आए, मतलब खुद के दिए वगैरह नहीं करे थे हम लोगों ने, पर छत पे आती तो मतलब दिवाली बिल्कुल भी ऐसे पता ही नहीं चला, कि जैसे अब मैं अब 10:30 बजे छत पे आई तो दिए वगैरह किसी के भी नहीं है, सब मतलब हवा चलते, इतनी देर दिए चलते भी नहीं आपको पता है, तो दिवाली बिल्कुल ऐसे ही चली गई हमारी, क्योंकि मनानी नहीं थी, मेन रीज़न तो ये था। माला वगैरह लगाई तो फिर उसमें भी ऐसा था, कोई कह रहा लगानी है, कोई कह नहीं लगानी, हमारा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे, मेरे दादा ससुर जी है वो 7 भाई है, बाहर मिक्कू रो रहा है, पूजा पता नहीं क्या कर रही है, वैसे मेरी मेहंदी का कलर ठीक ठाक आया पर अच्छी लग रही है फिर भी। हाँ, इस ब्लॉग का ही एंड करती हूँ, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी मेरे फैमिली की स्टोरी कि कौन कितने भाई है, कितना बड़ा परिवार है मेरा, वैसे तो मैंने पहले 1-2 बार बता रखा है, पर जो न्यू लोग जुड़े हैं उनको नहीं पता, मेरे 7 दादा ससुर हैं और उनके बेटे कितने हैं, मतलब हमारा 25-26 लोगों का परिवार है। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो बाय। अरे तो तूने इसके कपड़े क्यों खोले, दादाजी मारेंगे ना, दादाजी पिटी कर देंगे, पहना इसको, देख टोपी भी खोल दी, कपड़े भी खोल दिए, क्या मैं पहन लूँ, तेरा इतना छोटा सर नहीं है, ये टोपी पता है ये जब सौरभ चिक्कू छोटा था ना, टीना जी ने बनाई थी चिक्कू के लिए, पर जब चिक्कू जन्मा था तभी इसके चिक्कू के सर में नहीं आए, इससे बड़ा सर था इसका, फिर ये टोपी इसको ला के पहना दी थी बुड्ढे को, और ये पहले इसने सौरभ के कपड़े पहने, फिर चिक्कू के कपड़े, अभी ये मिक्कू के कपड़े पहन के बैठा है, तो चिक्कू ने खोल दिए, अभी वापस पहना दे इसको, ठंड लगती है ना, ठंड आ गई है, हमारे यहाँ पहले ठंड नहीं थी, एकदम से दिवाली से कल और आज एकदम से ठंड, आज ज़्यादा आई है, एकदम से सर्दी आ गई, अब सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे सर्दियों के, अभी तो आज तो नहीं निकाले, कल से निकालेंगे।